के डिप्लोमा बंद करो, केयू 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 के डिप्लोमा बंद करो, आर्ट टीचर के लिए बंद करो, आर्ट टीचर के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर। जी हाँ, ये नाम आपने बार बार में सुना है। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जो डिप्लोमा करने वाले हैं उनका तो कहना ही क्या, दरबदर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। कभी कुरुक्षेत्र, कभी पंचकुला, कभी कोर्ट आदि आदि, पता नहीं कहाँ कहाँ जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान इनका नहीं हुआ है। कोई कहता है इनका कुछ नहीं हो सकता, कोई कहता है सुप्रीम कोर्ट अपना वापिस नहीं ले सकता, कभी कुछ अधिकारी सरकार कोई साथ नहीं है, डीएससी अलग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट अपनी अलग रग अपना रहा है, नॉर्म्स कुछ कहते हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुछ कह रही है कि ये मान्य है। तो इन्हीं के लिए आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप इसको पूरा देखें और अपनी राय जरूर दें। मन में दीप जला कर रखना जरूरी है दोस्तों, अगर ये दीप बुझ गया तो फिर कुछ नहीं है, अपने कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और अगर ये बात रहेगी कि सभी ये सोचें कि दूसरे चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा धारकों ने कल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पर धरना प्रदर्शन किया और जो 613 नव चयनित आर्ट एंड क्राफ्ट थे वो अपने कोर्स को वैलिड करवाने के लिए अब घूम रहे हैं। कुलपति कार्यालय के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया और कहा कि ये दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय द्वारा जो आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा है वो मान्य किया जाए और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को मानना चाहिए उसको कि ये भी भर्ती के लिए योग्य है। जी हाँ, लिखित परीक्षा में मेरिटोरियस सारे स्टूडेंट, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरिटोरियस सारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से निकल के आ जाए। और 613 पोस्ट निकाल लाना काफी बड़ी बात होती है, जबकि अदर यूनिवर्सिटी के भी कैंडिडेट्स हैं। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कोर्स जितने भी हैं, डिग्री डिप्लोमा हैं, वो सारे के सारे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। फिर इसके साथ दोगला स्वभाव क्यों है? प्रैक्टिकल जब हुए हैं, पूरा प्रोसेस पूरा हुआ है, विशेषज्ञ कमेटी ने भी ये डिसाइड कर दिया है कि ये सारे के सारे डिप्लोमा पूरा का पूरा वैलिड है, फिर भी क्यों? आप क्या सोचते हैं कि क्या ये पहली बार ही लग रहे हैं? जी नहीं, गैस टीचर में विकलांग कोटे से लगे हुए इंस्ट्रक्टर और बाहर सर्व शिक्षा अभियान, दूसरे राज्यों में भी ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो लगभग 15,000 से 20,000 ये कैंडिडेट, इनके भविष्य अब अंधकार में है, उनके ऊपर भी गाज गिरनी जरूरी है और वो गिरेगी। आज वो अगर ये सोच के बैठे हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा और हम इनका साथ ना दें तो भूल जाइए। कुछ ऐसे भी हैं जो कि अब टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी निकलने के बाद में सोच रहे हैं कि इससे निकल जाएंगे। लेकिन साथियों, आपको मैं बता दूं कि जो पोस्ट आपके सामने है, अगर आप उसको नेगलेक्ट करेंगे तो भविष्य का कुछ नहीं पता। जब आपने एग्जाम दिया था तो भी सपने सजोए थे कि अब तो हम लगेंगे ही, लेकिन करवट बदलते हुए देर नहीं लगती। और क्या कैंसिल हो जाए, क्या पेपर लीक हो जाए, इस बात की आज कोई श्योरिटी नहीं है। इसलिए लगे रहो, अपना किसी भी तरह का जो भी आप कर सकते हैं सहयोग, वो आपको देना है। सभी को मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलना है। सुप्रीम कोर्ट के काफी कम चांसेस हैं और सुप्रीम कोर्ट काफी कम बार अपने उसको चेंज करती है। लीगल पक्ष को अधिक मजबूत बना के रखो आप, ताकि हर पक्ष पे आप ध्यान दे सको। राजनीतिक पक्ष अलग है और लीगल पक्ष अलग है। सरकार का रुख बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और क्यों ना हो, आप देखिए 500 वैकेंसी यहाँ पे पोस्ट वैकेंट रह जाएंगी, उसके बदले में कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे घूम रहे हैं, आप में से ही बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार रह जाएंगे। तो फिर वो क्यों परमानेंट करेगी जिसमें उसकी कोई लायबिलिटी ही नहीं है? कुरुक्षेत्र वालों की एक नहीं कई पीढ़ियां खराब हो जाएंगी अगर उन्होंने संघर्ष नहीं किया। अगर संघर्ष नहीं करते तो देश आजाद नहीं होता। तो संघर्ष करना अत्यंत आवश्यक है। आप अपना संघर्ष को बनाए रखें, हौसला बनाए रखें। आप सोच के देखिए कि आप अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं। कई पीढ़ियां एजुकेशन, मेडिकल और
सोशल सिक्योरिटी, ये सारे शब्द तभी आ सकते हैं जब आप गवर्नमेंट जॉब में हो। तो एक बार विचार करके देख लीजिए, आपको संघर्ष करना है या संघर्ष से भागना है। कर्म करते जाएंगे तो फल ही कर्म में परिवर्तन हो जाएगा। किसान जब बीज बोता है तो उसे पता होता है कि आंधी तूफान बारिश धूप सब कुछ आएंगी, लेकिन उसका थोड़ा 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 सारी चीजों का प्रयोग करके वो फसल उगा लेता है। अंकुरण, एक नए जीवन का अंकुरण आता है। तो ये सारे की सारी चीजें आपने सोचनी है, आपने मिलजुल करके संगठित होकर के ही आगे बढ़ा जा सकता है। आप हरियाणा पुलिस को देख सकते हैं, कोर्ट में केस पेंडिंग है, गवर्नमेंट भी पक्ष में है, अर्ली हियरिंग के लिए लगा रहे हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र क्या, कुरुक्षेत्र वाले क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्यों वो संगठित नहीं हो पा रहे हैं? इन कारणों का मंथन करना अत्यंत आवश्यक है। मंथन के बाद में ही कुछ सोल्यूशन आता है। एक राय होगी तो बहुत जल्दी ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। बहुत सारे कह रहे हैं कि भाई हम अब रिव्यू का इंतजार है, रिव्यू ही है। अरे गवर्नमेंट जब कोई जवाब नहीं देगी तो रिव्यू ऐसे ही की ऐसी दरी रह जाएगी। लास्ट टाइम भी गवर्नमेंट ने कोई जवाब इसमें नहीं दिया था फेवरेबल, और उन्होंने मना किया था कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो भी कैंडिडेट हैं वो डिप्लोमा उसके लिए वो मान्य नहीं है। तो नौकरी का मजा ही अलग है जब संघर्ष से मिले। बहुत सारे कैंडिडेट संघर्ष करते हैं और कई सौ की जो दूरियां हैं वो निभाते हैं, पूरी करते हैं, समय भी पैसा भी वो लगा रहे हैं। काबिल तारीफ है, इसका कोई सानी नहीं है। आने वाले समय में जब वो अपने बच्चों को इस गाथा के बारे में बताएंगे, और बहुत सारे बच्चे तो देख रहे हैं कि कैसे संघर्ष प्राप्त करके ही कुछ पाया जा सकता है। कम क्यों ना हो, कम रहेगा क्या? जेबीटी वालों का कम नहीं था क्या? जो नॉन बीएड थे, नॉन एचटेट थे, उनका कम नहीं था? सारी चीजें हैं, संगठित होना अत्यंत आवश्यक है और संगठन से ही आगे बढ़ा जा सकता है। मिलकर काम करना सफलता की पहली कुंजी है। तो मिलकर काम करो, प्रॉपर वे में काम करो, कहीं डटो, कहीं घूमो, और अपनी प्लानिंग को इस तरह से बना के चलो कि आने वाला जो समय है उसमें ये जो उठाए गए अभी के स्टेप हैं वो काम करें। बातें काफी बड़ी बड़ी लगती हैं, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल है। इतने बड़े हरियाणा से सभी कैंडिडेट्स को इकट्ठा करना, कलेक्शन करना, डॉक्यूमेंटेशन करना काफी महत्वपूर्ण है और काफी मुश्किल है, लेकिन मुश्किलें ही आसान हो जाती हैं जब पथ के राही मिल जाते हैं, और संगठन ही एक एक करके ही जब उंगलियां होती हैं तो वो मुट्ठी बन जाती हैं और ताकत आ जाती है। तो इस तरह से आगे बढ़ो। और कुलपति जी ने यहाँ पे आश्वासन दिया है कि वो जो आगे आने वाले समय में इसमें और ज्यादा मदद करेंगे, वो गवर्नमेंट को लिखेंगे और इसमें पॉजिटिव पक्ष रखेंगे। लेकिन जब तक धरातल पर कुछ नहीं हो जाता तो इसको सच मान के मत चलो। आजकल धोखा बहुत ज्यादा है, धोखा इतना फैला हुआ है कि आप उसमें उसको अगर सच मानकर चलोगे तो वो धोखा आपके लिए फिर कंकड़ पत्थर कांटे बन जाएगा और आपको हमेशा परेशान करता रहेगा। तो राजनीतिक रूप से भी संगठित रहें, अपने अपने एमएलए से मिलें, उनसे बात करें, उनको समझाएं। शायद अभी तक जो खट्टर जी के पास ये पूरी जानकारियां नहीं है। और करनाल में जब एक बार मुझे ध्यान है कि एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें पुराने जो ड्राइंग टीचर्स के जो प्रधान थे पवन जी, वो वहां पे गए थे अपनी भिक्षा के लिए कि हमें यहाँ पे एडजस्ट किया जाए। तो वहां पर उनको, खट्टर जी को जब ये पता चल रहा था कि ये ड्राइंग टीचर हैं, तो उन्होंने उनको कितना बुरी तरह से धुतकार दिया। लेकिन जब पता चला कि ये पुराने ड्राइंग टीचर हैं, तो उन्होंने थोड़ी सद्भावना दिखाई और कहा कि हाँ हाँ तुम्हारा कुछ हो रहा है। तो वहां से ही आप अंदाजा लगा के चल सकते हैं कि गवर्नमेंट यहां पर बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। कहने को कुछ भी हो, क्योंकि ईएम भी हैं वो, उनके हल्के से भी काफी सिलेक्टेड हैं, बातें बनाई जाती हैं, अफवाहें हैं, ग्रेपवाइंस हैं, जो कि पता नहीं चलता कि उसके ओरिजिन क्या है, कहां से वो शुरू हुआ है।
तो ग्रेप वाइन से बचें और पर्टिकुलर आप अपनी जो संगठन है उसको मजबूत करें, मिलके काम करें, डॉक्यूमेंटेशन को और मजबूत करें, जो भी मिल सकता है उसको डॉक्यूमेंटेशन को करें और आगे बढ़े। आशा है वीडियो से कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी और आप सभी के लिए भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।